हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लूप के बारे में कि लूप क्या होता है और फॉर लूप को हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप एक बार चेक कर लो कि जो सब्सक्राइब बटन है वो प्रेस किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो उस पर ज़रूर से क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और जो पॉजिटिव फीडबैक्स आप लोग देते रहते हैं उन सभी के लिए थैंक्स अलॉट। आपकी कमेंट्स जो हैं वो दे रियली मीन्स अलॉट टू मी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा लूप है, लूप मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हो, बार 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 एग्जीक्यूट करना है, तो हम उसको लूप में डाल देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन से स्टेटमेंट्स रखे जाते हैं, वो स्टेटमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स। तो कई बार जब आपको कोई चीज़ चलानी है या कोई ऐसा कोड चलाना है ना, तो अगर हमको उसको एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है या एक ही स्टेटमेंट को माइनर से चेंजेस के साथ में एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम यूज़ करते हैं लूप को। तो जो पहला लूप हम देखने जा रहे हैं आज, वो है हमारा फॉर लूप। देखिए, ये जो लूप्स है ना, ये आप आगे कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे, यदि जावा या कोई सी भी, और उन सब में जनरली सिंटैक्स जो है लूप्स के कॉमन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम, या तो कई बार लोग सबसे पहले सी सीखते हैं, बट अभी के केस में यदि हम बात करें तो आपको डायरेक्टली सी प्लस प्लस आई है। तो आप ये मत सोचिए कि हम सी प्लस प्लस सीख रहे हैं तो हमें सी आती ही नहीं है। इट डजंट मैटर कि हमें सी आती है या नहीं, सी प्लस प्लस आप इजीली सीख जाएंगे और आप आगे की जो लैंग्वेजेस हैं उन सब में भी ये सपोर्ट करेगा। और इसमें लूप्स वगैरह के भी जो सिंटेक्स हैं वो सी के भी सपोर्ट करेंगे, अगर आप सी को रन करोगे तो भी, ठीक है। तो हम इसको काफ़ी ध्यान से देखें, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में चीज़ों को समझें, ठीक है, क्योंकि लूप्स वगैरह या जो भी बेसिक हम कोडिंग देख रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, जब भी आप एग्ज़ाम में भी कुछ चीज़ लिखें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे आप लूप लिख रहे हैं या किसी और चीज़ को लिख रहे हैं तो उसकी सिंटैक्स को ज़रूर लिखें, ठीक है। तो जो फॉर लूप है इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे स्टेटमेंट उसको ही क्या करेगा, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फॉर भी क्या है, एक लूप है। अब इसमें जो सिंटैक्स होता है हम उसको देखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो जो सिंटैक्स है वो है फॉर, उसके बाद लगा देते हैं ब्रैकेट और इसके अंदर सबसे पहले करते हैं इनिशियलाइज। वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर लोगे और फिर उसकी ही कोई टेस्ट कंडीशन रहेगी, फिर सेमी कॉलन, यहां दो सेमी कॉलन है, एंड लास्ट में या तो हम इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। और ये आपका जो ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ था वो ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फॉर लूप में आपको जो भी लिखना है, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, यदि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं आप वो लिख के इसको बंद कर दो। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, इसके सिंटेक्स का। तो देखिए, इनिशियलाइज करना मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देना। जैसे मान लो अगर आई है और आई में कुछ नंबर दे दिया हमने, तो इसको बोलेंगे इनिशियलाइजेशन, कि इस वेरिएबल की अभी तक कोई वैल्यू नहीं थी, आपने उसको इनिशियलाइज करवा दिया। टेस्ट कंडीशन, जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे थे, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, वो वाली कंडीशन यहाँ आ जाएगी। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल है जिसको आप को लेना है या तो आप उसको इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो तीन चीज़ें हैं इनसे मिलके हमारा यहाँ पर फॉर लूप कम्प्लीटली डिफाइन हो जाएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं एक प्रोग्राम की हेल्प के थ्रू
कि मान लो यदि आपसे कहा जाए कि आप एक प्रोग्राम लिखें जो 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करता हूं, नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो एक तरीका है कि आप क्या करो, सी आउट में लिखो 1, फिर सी आउट में 2 लिखा, या फिर स्लैश एन लगा के 1 2 3 4 प्रिंट करो। या फिर अब दूसरा तरीका है फॉर लूप यूज करने का, तो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरली दो हेडर फाइल्स लगा लेंगे, वॉइड मैन लिखोगे, ध्यान से देखना बेटा, वॉइड मैन लगा दिया। अब क्या होगा, हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे मान लो आपने आई ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, हमको इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवानी है, 1 से 10 तक। तो हम फॉर लूप में जो इनिशियलाइज की बात की थी हमने, कि हम उसको इनिशियलाइज करवाएंगे, तो प्रिंट क्योंकि 1 से 10 करना है, तो इनिशियलाइज हम किससे करवा देंगे, 1 से। तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा आई इक्वल्स टू 1, फिर क्या करना है, सेमी कॉलन लगाना है, लगाया सेमी कॉलन। कंडीशन ट्रू कब तक, टेस्ट कंडीशन क्या है, लास्ट वैल्यू कौन सी होना चाहिए, 10। तो हमने टेस्ट कंडीशन डाल दी कि जब तक 10 से छोटा या उसके बराबर हो तब तक चले, क्योंकि सारे नंबर्स आपको 1 से 10 तक के प्रिंट करवाने हैं। फिर से यहाँ सेमी कॉलन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ फिर एक सेमी कॉलन लगा देंगे, और 1 से शुरू होकर 10 तक जाना है तो आपको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो आई प्लस प्लस, सी आउट में हम आई को प्रिंट करवा देंगे। अब इसको ड्राई रन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ हमने लिख दिया गेट सी एच प्रोग्राम क्लोज। देख लेते हैं अब हम ये कैसे चलेगा। देखो, आई नाम का वेरिएबल था, उसको वैल्यू दे दी 1, तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। आई में अभी वैल्यू आ गई 1। इसको उसने चेक किया, क्या 1 10 से छोटा या उसके बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 1 10 से छोटा होता है, ठीक है। तो हम कहाँ आ गए, इस वाली लाइन में, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये ट्रू होगी सिर्फ तभी हम लूप में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ट्रू हो गई, तो हम आ गए यहाँ। अब क्या हुआ, सी आउट जो था इसमें हमने आई को प्रिंट करवा दिया, तो आई की वैल्यू कितनी थी अभी, 1, तो 1 प्रिंट हो गया। अब जब ये लूप यहाँ आया तो इसने देखा कि अभी आई की वैल्यू 1 ही है, हमको कब तक चलना है, जब तक 10 ना हो जाए। तो यहाँ से फिर से ये जो लूप था ये चला आगे, तो फिर से घूम के गए, इसी कारण इसको लूप बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये एग्जीक्यूट होने के बाद हम नीचे नहीं गए बल्कि फिर ऊपर चले गए, और ऐसे हम जाते रहेंगे कब तक, जब तक 10 के बराबर नहीं हो जाए। तो जब हम यहां आने के बाद फिर से जा रहे हैं, इसको कहते हैं इटरेशन। क्या कहते हैं, इटरेशन, ठीक। तो अब क्या हुआ, 1 था, फिर हम यहां से वापस गए, तो अब सबसे पहले अब इनिशियलाइज नहीं होगा, ये एक ही बार चलता है। अब पहले इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू पहले 1 थी, अभी 2 हो जाएगी, 2 को वो चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो ये 2 जो है वो भी प्रिंट हो जाएगा। फिर से लूप चलेगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, 3 हो गया, 3 को चेक करेगा वो, कंडीशन ट्रू, ऐसे कब तक चलता रहेगा, 9 तक आ गए मानो, 9 प्रिंट हुआ। फिर से चला, पहले इंक्रीमेंट हुआ, अब क्या हो गया, 10, अब 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है, इसलिए 10 इक्वल इक्वल 10 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और 10 भी प्रिंट हो जाएगा। अब जब आगे बढ़े तो 10 से क्या हो गया, 11। जब ये 11 हुआ तो ये जो टेस्ट की कंडीशन थी, 11 लेस देन इक्वल्स टू 11, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब ये फॉल्स हो गया तो हमारा जो लूप था उससे हम बाहर आकर के कहाँ आ जाएंगे, इस गेट सी एच के पास, ठीक है। तो फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइज, फिर सेमी कॉलन, फिर जो कंडीशन चेक करना है वो, फिर से सेमी कॉलन, और फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इसके बाद कोई सेमी कॉलन नहीं लगाना है, ध्यान रखना। तो ये था हमारा फॉर लूप, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे उसमें लूप्स की ज़रूरत लगती ही है। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, बट यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो,
ठीक है, क्योंकि एनालिटिक्स में दिखता है कि भैया बहुत सारे लोग सिर्फ वॉच कर रहे हैं वीडियोस को, दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग. सो गाइस, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड गेट द बेनिफिट ऑफ लर्निंग. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.